यानी सोना देकर वो नमक खरीदते थे। क्यों? क्योंकि बिना नमक का कोई भी चीज स्वादिष्ट नहीं लगता है। जब यीशु मसीह बात कर रहे थे कि आप पृथ्वी के नमक है, इसका मतलब है कि जहां पर ये पृथ्वी पर जो आशाहीन लोग हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं है, जब आप परमेश्वर के संदेश को लेकर जाते हैं, जब आप उनके साथ मुलाकात करते हैं, जब आप उनके साथ बैठते हैं, जब आप उनके साथ वार्तालाप करते हैं, जब आप उनके साथ संगति करते हैं, तो उनके जीवन को टेस्ट आने लगता है। यानी उनको जीवन क्यों जीना है एक मकसद मिल जाता है। सोचो, आपने बहुत बढ़िया डिश बनाया, आपने बहुत सुंदर, बहुत मेहनत किया, सभी प्रकार के मसालों को आपने डाला और आपने नमक डालना भूल गए। आप कुछ भी कर लो, वो सब्जी को टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जब यीशु मसीह बात कर रहे थे आप पृथ्वी के नमक है, तो वो बात कर रहे थे कि आप जब जाएंगे तो लोगों को उम्मीद मिलेगा। क्या आपके वजह से लोगों को उम्मीद मिलता है? क्या जब आप संगति करते तो लोग क्या कहते हैं, यार सच में यार मैं भी ऐसा जीवन जीना चाहता हूं? या आप किसी और को अपना आइडल बनाकर आप कहते, नहीं यार मैं तो एक दिन ऐसे ही बनना चाहता हूं। जब यीशु मसीह बात कर रहे थे, सो मैं विश्वास करता हूं ये सारा चीज वो सोच रहे थे, क्योंकि नमक एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था उस समय का। नमक सभी लोगों के पास नहीं मिला जाता था, क्योंकि जो बहुत कल्पना कर देखिए कि उस समय गोल्ड का जो वैल्यू है वो नमक का वैल्यू हुआ करता था। लोग सोना देकर नमक खरीदते थे, इतना कॉस्टली, इतना महंगा उन दिनों का नमक था। और यीशु मसीह वार्तालाप कर रहे हैं पृथ्वी के नमक के बारे में। नमक का एक जो सबसे अद्भुत बात है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इन चीजों को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोई भी व्यक्ति इस चीजों को मिस नहीं करे। अपने पड़ोस वाले से कहे, ये चीज आपको मिस नहीं करना है। आप ये चीजों को है ना प्रयोग करके भी देख सकते हैं जो चीजें मैं कह रहा हूं। अगर आपको प्यास नहीं लगता है, आप थोड़ा सा नमक अपने हाथों में ले और उसे चाटना चालू करें। वो नमक खत्म हो जाएगा, और थोड़ा सा नमक ले, उसे चाटना चालू करें। कुछ टाइम के बाद आपका शरीर जो है ना पानी मांगेगा। नमक आपके प्यास को बढ़ाता है। इसलिए देखिए, जब आप समंदर के पानी में जब आप जाते हैं और जब आप पानी से बाहर आते हैं, आपको बहुत प्यास लगता है। क्यों? क्योंकि वो नमक का खारा पानी आपके मुंह में जाता है और आप बहुत प्यासे हो जाते हैं। आप ट्राई कर देखिए। सेम टाइम जब आप नदी में जाएंगे उतना प्यास आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब आप कोई नमकीन चीज खाएंगे आपको ज्यादा प्यास लगेगा। आज हम टोटल अलग कर रहे हैं। मालूम है क्या करते हैं हम लोग? क्यों विश्वासी लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं? क्यों सेवक लोग ठीक तौर पर सेवकाई नहीं कर पाते हैं? क्यों जो हाउस ग्रुप चलाते हैं वो उत्साहित प्रोत्साहित नहीं होते हैं? क्योंकि सेवकों को लगता है कि ये हूबहूब सब कुछ मेरे जैसे करना चाहिए। इसे लोग आज क्या करते हैं मालूम है क्या? आज लोग सेवकों को कॉपी करते हैं। वो जैसे कपड़े पहनता है वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वो जैसे जूता पहनता है वैसे ही वे जूते पहनते हैं, वो जिस प्रकार माइक पकड़ते हैं वो वैसे माइक पकड़ते हैं, उनका जिस प्रकार का प्रचार करने का तरीका है उसी प्रकार वो प्रचार करते हैं, वो जिस प्रकार हेयर स्टाइल रखते हैं उसी प्रकार ये लोग हेयर स्टाइल रखते हैं, उनकी वाइफ जिस प्रकार कपड़े पहनती है ये सेवक की वाइफ भी उसी प्रकार कपड़े पहनती है, और सब कुछ सेम टू सेम। ये जिस प्रकार प्रभु भोज लेते हैं वो भी उस प्रकार प्रभु भोज लेते हैं, ये जिस प्रकार किसी के सर पर रुमाल रखते हैं वो भी सर पर रुमाल, ये सेम टू सेम है ना कॉपी करने का प्रयास करते हैं। ये सब क्यों होता है मालूम है? और इसका नतीजा क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इसका नतीजा क्या होता है। जब हम किसी व्यक्ति को ऐसे कॉपी करने लगते हैं, उसका नतीजा यह होता है कि कुछ टाइम के बाद हम पूरी तौर पर परमेश्वर से अपना फोकस हटाकर हमारा फोकस इंसान हो जाता है। और यिर्मयाह के पुस्तक के अनुसार श्रापित है वो व्यक्ति जो किसी व्यक्ति पर या मनुष्य पर या इंसान पर भरोसा करता है।